कोरोना को लेकर सतर्क केंद्र सरकार, राज्यों से बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, ट्रैक ट्रेस और ट्रीटमेंट पर दे जोर, 10 और 11 अप्रैल को तैयारियों को परखने के लिए अस्पतालों में मॉकड्रिल के आदेश। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विजय चौक पर वैकाथॉन का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया भी पहुंचे, पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने रेत पर उकेरी कलाकृति। गृहमंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी महोत्सव 2023 का किया शुभारंभ, कई विकास परियोजनाओं की रखी नींव, लाभार्थियों को बांटे चेक। आजमगढ़ में गृहमंत्री ने विकास कार्यों का किया उद्घाटन, सीएम योगी के साथ शास्त्र संगीत कलाकारों से मुलाकात की, शाह को भेंट की गई भगवान गणेश की तस्वीर। उत्तर प्रदेश सरकार के का ऐलान, अब यूपीएसआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे नेशनल और स्टेट अवार्ड प्राप्त शिक्षक, स्मार्ट कार्ड के जरिए मिलेगी सुविधा, 5 साल के लिए मान्य होगा ये कार्ड। बेस्ट की बसों में सफर करने वाले मुंबई करों के लिए बड़ी खुशखबरी, मासिक पास के लिए 1250 रुपए की बजाय अब देना होगा 750 रुपए। थाने से 3000 से ज्यादा शिवसेना कार्यकर्ता रामनगरी अयोध्या के लिए रवाना, सीएम शिंदे ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर विदाई दी, रविवार को सीएम शिंदे खुद भी पहुंचेंगे अयोध्या। आज से रामायण यात्रा का शुभारंभ, दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हरी झंडी दिखाई। तिरुपति में बालाजी के दर्शन के लिए पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मथा टेक कर आशीर्वाद लिया। उज्जैन में महाकाल मंदिर में शिवलिंग को गर्मी से बचाने के लिए शुरू हुआ प्रयास, शिवलिंग के ऊपर लगाई गई 11 मटकियां, महाकाल पर चढ़ाई जा रही है जलधारा। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पाक जिन, 2 दिन के भारत दौरे पर हैं जिन। गुवाहाटी पहुंचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, भव्य स्वागत हुआ, पुलिस के जवानों ने सलामी दी। आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी चंद्रपुर विधायक की मां गंगूबाई जोरगेवर, आज भी लगाती हैं टोकरियों की दुकान, गंगूबाई के संघर्षों के लिए किया गया उनको सम्मानित। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों की तर्ज पर नाइट ग्लो पेंट से लैस होंगी शिमला की सड़कें, रात में गाड़ी चलाना आसान होगा, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने दी जानकारी। कटीमा में वर्ल्ड हेल्थ डे पर डॉक्टर्स ने लगाई 10 किलोमीटर की दौड़, कार्यक्रम में डॉक्टर्स के परिजन और अस्पताल के स्टाफ ने भी हिस्सा लिया। मेरठ विकास प्राधिकरण की अनूठी पहल, कबाड़ को बेचकर बनाया कला संग्रहालय। कुनू नेशनल पार्क से बाहर निकला चीता, ओबान रेस्क्यू कर फिर से कुनू लाया गया, 5 दिन बाद शिवपुरी जिले से किया रेस्क्यू। दिल्ली में एस्ट्रोनाइट स्काई टूरिज्म को मिल रहा है बढ़ावा, बड़ी संख्या में लोग अंतरिक्ष की दुनिया का कर रहे हैं निरीक्षण। सूरत में इंजीनियरिंग के छात्रों का कमाल, तैयार किया अनोखा रोबोट। पुणे में अनोखी बेकरी चेन का शुभारंभ, मोटे अनाजों से बनाए जा रहे बेकरी उत्पाद। असम के डेरगांव पहुंचे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, पुलिस अकादमी की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में महाकाली की तीर्थयात्रा की रौनक, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। रामेश्वरम में की जा रही है चमेली की खेती, किसानों के लिए बेहतर आय का उपाय।